में सीएम की कुर्सी को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने बड़ा जुबानी हमला बोला है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा को भाजपा छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए क्योंकि शिवराज जी उन्हें सीएम नहीं बनने देंगे। बहुत प्रयास कर रहे नरोत्तम मिश्रा सीएम बनने के लिए, शिवराज जी से संतुष्ट नहीं है बीजेपी के बड़े नेता। बीजेपी में जो गतिविधियां हो रही है वो सबको पता है। इतिहास में पहली बार कैबिनेट मंत्री चीफ सेक्रेटरी पर टिप्पणी करता है, यानी कि महाराज भाजपा ने शिवराज भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी में पोषण आहार में हो रहे घोटाले पर जयवर्धन सिंह ने कहा कि ये घोटाला 100 करोड़ का नहीं बल्कि 1000 करोड़ का है। बच्चों और महिलाओं के पोषण में घोटाला हुआ है, बीजेपी के दलाल और उनके नेता पैसा खा रहे हैं। इस मुद्दे को नेता प्रतिपक्ष से बात कर विधानसभा में उठाएंगे। बीजेपी के नेता बहुत लालची हो गए हैं, कुपोषित बच्चों का पैसा भी खा रहे हैं। पूर्व विधायक चाचौड़ा और जिला पंचायत सदस्य ममता मीना के वायरल वीडियो पर भी जयवर्धन ने तंज कसा, कहा कि ममता मीना की गतिविधियों से हम पहले से वाकिफ हैं, उनको आम जनता को सम्मान देना चाहिए। जो उनका पैसों का लेन देन का वीडियो वायरल हो रहा है वह बहुत गलत है, इससे गलत संदेश जाता है, वह स्पष्टीकरण दे। अफसोस की बात यह है कि बीजेपी में ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। बता दें कि ममता मीना का एक वीडियो है जिसमें वे कह रहे हैं, मेरे पैसे दे दो, मैं 5 मिनट में घर से जा रही हूँ। 50,000 रुपये दिए तब भी जेब में रख कर ले आए, 2 लाख फिर ले आए। मेरा पैसा लोहे का पैसा है, इतने आसानी से बचा नहीं पाओगे। वोट डालने नायक नहीं रहने दूंगी, नीचे से पैर तोड़ दूंगी, वोट डालने जा नहीं पाओगे। धिक्कार है तुम लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, जिंदगी भर का रिश्ता तोड़ने आई हूँ। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दें। आंगनबाड़ी घोटाला जो हो रहा है लगातार, जिस तरह से बस्ती घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश में और अभी भी ये चल रहा है, दारू भी लग रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ इसका पहला ही फेज है, ये सिर्फ आंगनबाड़ी का ही नहीं लेकिन जो मध्यान्ह भोजन भी है इसमें ये भी शामिल है। महिला बाल विकास विभाग जो पिछले 2 साल से सीधा सीएम साहब के अंडर चल रहा है और इसके साथ जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय है इसका भी इसमें रोल है। और अभी तो सिर्फ 100 करोड़ की इसमें बात आई है लेकिन मैं मानता हूँ ये घोटाला 1000 करोड़ का है। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि जो पोषण आहार गरीब बच्चों के लिए होता है, गर्भवती महिलाओं के लिए होता है, बेटियों के लिए होता है, उसी पोषण आहार को लेकर ये भाजपा के दलाल और नेता पैसा कमा रहे हैं। इससे और दुख की बात क्या हो सकती है। आने वाले विधानसभा सत्र में जो चालू होगा अगले हफ्ते से, लाखन सिंह यादव जी और मैं दोनों मिलके और हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष जी से भी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी से भी, और हम सब मिलके इस मुद्दे को उठाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, बहुत अफसोस की बात है कि भाजपा के नेता इतने लालची हो गए हैं कि जो राशन और जो पोषण आहार बच्चों के लिए दिया जाता है, कुपोषित बच्चों के लिए दिया जाता है, उसमें भी ये लोग पैसा बना रहे हैं। ये बहुत अफसोस और दुख की बात। प्रदेश में चयनित शिक्षक, उसके बाद बिजली कर्मचारी और प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कर्मचारी का हर वर्ग परेशान है, त्रस्त है। हमारे नेता कमलनाथ जी ने घोषणा भी किया, बयान भी दिया है कि इस बार जो वचन पत्र कांग्रेस निकालेगी उसमें हमारी पहली घोषणा जो हमारे कर्मचारी वर्ग है उनके लिए रहेगी। और उसमें हमारा वादा है कि सरकार बनने पर ही कमलनाथ जी आदेश निकालेंगे जिसमें जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और भूपेश बघेल जी ने राजस्थान छत्तीसगढ़ में उसको वापस लागू किया था, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी अगर पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश में लागू करेंगे जिससे कि जो भी कर्मचारी हमारे प्रदेश के हैं उन सबको इससे राहत मिलेगी।